लास्ट वीक हम दोस्तों का प्लान बना कि हम लोग बीच पे जाएं। अबे तो अभी बात कर क्यों रहे हो तुम, छोड़ दो ना, आवाज नहीं आ रही तो खत्म कर दो भाई। लास्ट वीक 1 साल और 3 महीने पहले तुम क्योंकि मेरी कॉन्वोकेशन होने वाली थी, मैं कराची छोड़ रहा था, आई वॉज कमिंग टू इस्लामाबाद, तो मेरे दोस्तों ने सारे प्लान्स बनाए कि हम लोग थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया जमा करते हैं, कहीं घूम फिर के आते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जो बीच था वो मनोरा पे था, तो उन लोगों ने प्लान किया कि कराची से जा रहे हैं, इसको थोड़ी सी मेमोरीज देके बेचते हैं, नॉस्टैल्जिया देके बेचते हैं, क्योंकि कराची में ज़्यादा जगह है नहीं घूमने की। हवा पूरी करना है बेटा, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि कौन कौन सी चीज़ों से प्रोज हैं, कौन से कॉन्स हैं, कौन से डूज हैं, कौन से डोंट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी नहीं है, लेकिन ये फिर भी इन्फॉर्मेशन ब्लॉग नहीं है। तो इफ़ यू आर हेयर फॉर इन्फॉर्मेशन और मुझे देखने नहीं है कि मैं क्या कर रहा था पिछले 1 साल पहले और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आए हो, तो यू हैव टू लीव। क्या यार ऋषि भाई, क्या ये जिन दोनों दोस्तों का आइडिया था वो दोनों मेरे साथ थे, लेकिन रास्ता इन दोनों को भी नहीं पता था क्योंकि पहले ये लोग किसी और के साथ गए हुए थे, कोई और लेके चला गया था, उन दोनों को आइडिया नहीं था कि क्या रास्ता है, कहाँ से जाना है, कौन सा टर्न लेना है, बस जा रहे थे। गाड़ी थी और मंजिल थी और जा रहे थे और गूगल मैप्स थे। गूगल मैप्स, यस गूगल मैप्स काम करते हैं। नेट ऑन ही नहीं है, एवरेज खराब कर रहे हो तुम। प्रायोरिटीज। वेल डन, तुम कुछ खाते हैं? हाँ, फ्रेम में कुछ नजर ही नहीं आ रहा हूँ मैं, मतलब वेरी गुड वेरी गुड। अब यार कहाँ जाएंगे? मैं बता रहा हूँ ना यार, इधर तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम विजिट करना है, यहाँ से हम जाएंगे पोर्ट है, यहाँ पे हम बोट मिलेगी, यहाँ पे लोग खाना खाते हैं, राशिद सी फूड जो कि बहुत मशहूर है उसकी हम पार्किंग में इस वक्त खड़े हैं, जो ऊपर उनका फैमिली एरिया है और नीचे लोकल्स को बिठाया जाता है जो मतलब जो नॉन फैमिली है। बोट्स बहुत पुरानी है, 16th सेंचुरी की है, 100 से 200 के बीच में पर पर्सन हम लोग गए थे, 1 to 200 वन साइड और फिर वापसी का सेम। कितना ही कितने बहुत कचरा है, कोई सफाई नहीं हुई थी, लाइक पानी बहुत गंदा था, और दूसरा साइड में जब आप कश्ती में तो साइड में चीज़ें तैर रही होती हैं और वो अच्छी चीज़ें नहीं है, बहुत कचरा है। तो मैं ये कोशिश करूँगा PSA ना बन जाए, बट प्लीज़ सफाई का ख्याल रखें, वहाँ कचरे में मछलियाँ होती हैं, पानी में मछलियाँ होती हैं, लेकिन अब वो कचरा वहाँ पे होगा तो मछलियाँ, बट जब कचरे के बाद Chapter 2 जब कचरे के बाद जब बोट पे चढ़ जाते हो तो व्यूज़ कमाल के हैं। वॉट ही मीन्स इज कि जब मरोड़ा पे या जो वो वाला पॉइंट था वहाँ पे ड्रॉप हो गए, तो वहाँ पे लाइक बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पे खाने पीने का सामान होता है, जो भी होता है, लेकिन वहाँ से एक बहुत लंबी वॉक है जो बीच तक जाती है, वहाँ पे आपको गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं सुजुकी वगैरह जो आपको छोड़ सकती हैं, लेकिन अब 3 मर्द आए हुए हैं तो ऑब्वियसली हमें मतलब सुजुकी में तो नहीं जाएंगे हम लोग।
बस सही है बस मेरे को कराची से अपनों में ईद मनाने के लिए लोग आ रहे हैं तुम्हारा खा ले यार जवानी में बीच से लेके बीच तक गुड लेकिन मैं क्या तारीफ करूँ मतलब इट्स गुड मैं एक्सपीरियंस बता रहा था एक्सपीरियंस अच्छा था मज़े का था वहाँ पे मतलब बहुत लोग हैं वहाँ बहुत है जब अच्छी जगह कम होती हैं और लोग ज़्यादा होते हैं हाँ तो वो अच्छी जगह बहुत छोटी हो जाती हैं यू नो मतलब इफ़ दैट मेक्स सेंस जस्ट मेक श्योर कि यू गेट बैक इन टाइम क्योंकि वापसी के लिए भी जब कश्ती पकड़नी पड़ती है 16th century की जो कश्ती है 1700s की तो उसको पकड़ने के लिए रात में जब वापस आओगे तो अंधेरा हो चुका होगा इफ़ अंधेरा हो चुका होगा तो इट माइट गेट स्केरी और रात में डर लगता है